नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली में हार के कारणों पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हार के कारणों पर दिल्ली में समीक्षा हुई है, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात हुई। पार्टी में अभी मंथन जारी है, रायपुर में भी बैठकें होंगी। सीएम ने पूर्व विधायकों के आरोपों पर कहा कि किसने क्या कहा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो बीजेपी में सीएम चेहरे पर कहा कि अब भी सभी को इसका इंतजार। उसमें जो चुनाव के रिजल्ट आया उसकी समीक्षा भी हुई और चर्चा भी हुई और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी निर्देश दिए गए। अच्छा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार से जैसे कौन बनेगा करोड़। 3 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से ही छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज है, जिस पर कल विराम लगने की संभावना है। दरअसल मुख्यमंत्री के नाम पर विधायक दल की बैठक में चर्चा के लिए जिन पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ आना है वो कल रायपुर आएंगे, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये कल साफ हो सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है, इसमें बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक शामिल होंगे। पर्यवेक्षकों के कल सुबह रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी आएंगे। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए कई नामों पर चर्चा है। बहरहाल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा है कि मैंने सांसद केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन के प्रमुख पदों पर अपने दायित्व को निभाया है, मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्वानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ओपी चौधरी ने कहा कि वो एक मामूली सा छोटा कार्यकर्ता है, उनसे भी वरिष्ठ भाजपा में पहले से मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अनुशासन है, उसके अनुसार संगठन के हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारा ऊपर से तय होगा और जब भी तय होगा सबको पता चल जाएगा। हमारा काम है, हम सब पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और करते रहे। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए 3-4 नाम चल रही हैं, लिहाजा पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाईकमान से अगर कोई नाम तय किया गया होगा तो पर्यवेक्षक उस नाम को भी विधायक दल में रख सकते हैं। पर्यवेक्षक बताएंगे किसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। फिलहाल बीजेपी विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना भेज दी गई है। विधायकों से राय शुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और इसके साथ ही भितरघात की बात भी आ गई है। बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है जो सिर्फ नाम की ही हो रही है। कांग्रेस नेता हार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है बाबा टीएस सिंहदेव जिम्मेदार हैं, तो कोई कह रहा है शैलजा। कोई टिकट वितरण पर सवाल उठा रहा है तो कोई रणनीतियों पर। आखिर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है, किसकी बातों में कितना दम है और किसके आरोप सही हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार के बाद घमासान मचा हुआ है।
हार से घबराई कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस नेता बृहस्पत सिंह ने हार के लिए टीएस सिंहदेव और कुमारी सैलजा को जिम्मेदार ठहराया है। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है, ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। हमारे प्रभारी सिर्फ रायक सरगुजा संभाग में जाकर टीआर सिंह से ड्राइविंग कराती थी और खुद सामने बैठ के फोटो शूट कराती थी। हमारे सैलजा मैडम जो प्रभारी छत्तीसगढ़ की बनाई गई, फोटो शूट करा रही थी हीरोइन की तरह, जैसे बॉम्बे से कोई फोटो शूट कराने आया है वैसा फोटो शूट करा रही। बृहस्पत सिंह पर अजय तिर्की ने निशाना साधा है। अजय तिर्की ने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हार की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी, एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा न होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि बृहस्पत सिंह को दिल्ली आकर अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सड़कों पर। टीएस सिंहदेव पर पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय जायसवाल ने कहा कि जो राजदरबारी थे उनका टिकट काट दिया गया। साथ ही जायसवाल ने फर्जी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी के हित में अगर आप सोचते हैं, पार्टी ने अगर आपको जवाबदारी दी है कि सरगुजा संभाग फलाने नेता को देखना है, इस संभाग को इसको देखना है, इस संभाग को इसको देखना है, तो अगर आप सर्वे के आधार पर टिकट काट रहे हैं और साथ में अगर आप टिकट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है आपने उसका क्या सर्वे करवाया था, उसकी जीतने की क्षमता कितनी थी। पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। जयसिंह अग्रवाल ने बिना नाम लिए भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकंबेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेताओं के बयानों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में मंथन और चिंतन चल रहा है, लेकिन तीखी बयानबाजी कांग्रेस की अंतर कलह को साफ तौर पर बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात करेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट की, जिसने बड़ा खुलासा किया। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गैरों से कम, अपनों से ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1213 रेप पीड़िताएं ऐसी हैं जिन्हें दोस्त, परिचित, पड़ोसी, सहकर्मी, ऑनलाइन दोस्ती करने वाले फ्रेंड और रिश्तेदारों ने अपना शिकार बनाया। 97 पीड़िताएं ऐसी हैं जो रिश्तेदारों की जाति का शिकार हुई। 724 पीड़िताओं के साथ ऑनलाइन दोस्त, लिव इन पार्टनर या तलाकशुदा व्यक्ति ने रेप किया, तो 392 महिलाओं को पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 ही मामले ऐसे हैं जिसमें आरोपी अपरिचित निकला। गुना से शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक ने बेबी डॉग पर ज्यादती की। बेबी डॉग को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो इतना भीभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते।
ब्लर किए बिना हम इसे दिखा नहीं सकते आपको। वीडियो में एक युवक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा नजर आ रहा है और इस दौरान उसके पास दो बेबी डॉग पहुंचकर अटखेलियां करने लगते हैं। इस दौरान युवक ने आओ देखना ताओ और एक बेबी डॉग को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। युवक यहीं नहीं रुका, इसके बाद वह अपने पैर से बेबी डॉग को मसल कर मौके से चला गया। गौरतलब है कि जिस मकान के बाहर ये वारदात हुई उसके मालिक ने शहर कोतवाली पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये पूरी घटना शनिवार की बताई जा रही है। तो इंसान बना जानवर, अब सवाल यही उठता है कि आखिर जानवर कौन? बेबी डॉग को इतनी जोर से उठाकर पटका है इस शख्स ने। जमीन पर देखिए किस तरीके से बड़ी ही बेरहमी से एक बेबी डॉग को जमीन पर पटक रहा है ये इंसान। इंसान नहीं, ये जानवर, इंसान की शक्ल में ये जानवर। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मुकदमा दर्ज करने की मांग यहां पर हो रही है इस शख्स पर। एक युवक ने बेबी डॉग को जमीन पर जोर से पटक दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है। पहले तो बड़े ही बेरहमी से ये शख्स बेबी डॉग को उठाता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी, आखिर क्या वजह जो बेबी डॉग पर इतनी बेरहमी इसने दिखाई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर यह शख्स मानसिक रूप से ठीक नजर तो नहीं आता। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो वीडियो सामने आया है इसमें साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जो व्यक्ति है इसकी इसकी दिमागी हालत या तो ठीक नहीं है या जानबूझ के उसने इस तरीके का कृत्य किया। देखिए, वो छोटा सा जो डॉग का पपी था उसको उसने पहले तो जब उनके पास वो दोनों पहुंचते उसके बाद एक को उठा के सड़क पर फेंक देता है और उसमें से ही उसका मन नहीं भरता है, वो वापस से उठता है और उसको अपने पैर से कुचल भी देता है। तो ये भीवत्स घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। उसके बाद जिस मकान मालिक के घर के सामने घटनाक्रम पेश आया है उसने पूरे मामले की शिकायत लिखित शिकायत भी पुलिस को की और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन उस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है कि बेजवानों के साथ इंसान जो है वो किस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रहा है, कहीं ना कहीं इस तरफ सोचने पर इशारा करता है कि क्या हम वास्तव में किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेजवान जानवर है, छोटा सा पपी था, उसको उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ठीक बात कह रहे हैं आपकी। लगातार बेजुबानों पर ऐसे अत्याचार होते रहते हैं और कोई ना कोई ये कड़ा कानून बनना चाहिए जैसी जिससे ऐसी तस्वीरें ऐसी घटनाएं सामने ना आए। शैलेंद्र, कानून है जिसके तहत पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो धाराएं उसमें है वो उतनी प्रभावी नहीं है कि उससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि तमाम जो एनिमल लवर थे वो भी लगातार इस तरह की अवेयरनेस भी चलाते रहते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने में आती है। कहीं ना कहीं इस बार की तरह इशारा करती है कि अब पूरे देश में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ही, जहां राज बदलने के बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर से लेकर अलग अलग शहरों में बुलडोजर चल रहा है और
अवैध ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आपके सामने दुर्ग महासमुंद कोरिया की। प्रशासन ने अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। दुर्ग में जहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, तो वहीं महासमुंद बागबहरा में और पिथौरा में भी बुलडोजर चला है और अवैध दुकानों को हटा दिया गया। नारायणपुर में बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की उस समय हत्या की जब वो पूजा करने गए थे। नक्सलियों ने धारदार हथियार से मांझी पर हमला किया। आपको बता दें कि पहले भी नक्सलियों के टारगेट पर कोमल मांझी रहे हैं। हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका। हत्या का ये मामला छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। ASP हिमसागर सिद्धार्थ ने इस घटना की पुष्टि की। खबर सुकमा से है जहां 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा इलाके में सक्रिय थे। सभी को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा और इन सभी ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। इसमें CRPF और जिला बल का विशेष सहयोग भी रहा। नई सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। DRG जिला बल और CRPF ने अरमपल्ली इलाके में 1 लाख के इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जवानों को आता देख छुपने की कोशिश वो कर रहा था, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने खुद को मांडवी हडमा जनताना सरकार का अध्यक्ष बताया है। कोरबा में SECL दीपका क्षेत्र के GM ऑफिस में गुहार लगाने पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भूविस्थापितों का कहना है कि 27 साल पहले जमीन ले ली गई है, लेकिन नौकरी अब तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सरगुजा जिले के किसानों को मिचौंग चक्रवाती तूफान ने चिंता में डाल दिया है। दरअसल बीते एक सप्ताह से मिचौंग तूफान के असर से सरगुजा जिले में बारिश हो रही है और जिसके चलते किसानों का धान कटाई के बाद खेतों में भीग गया। किसानों को बारिश के बाद धान खराब होने का डर भी सता रहा है। ऐसे में सरकार को धान नहीं बेच पाने से किसानों को आर्थिक चिंता भी सता रही है। बिलासपुर में 3 महीने गर्भवती महिला से उसके पति ने दहेज के लिए मारपीट की। शादी के 2 महीने के बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को सताना शुरू कर दिया। तंग आकर महिला ने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ केस दर्ज कराया।